एक आदमी था, उसने बोला, महाराज मेरा बड़ा घर है, 2000 गज में मेरा घर है, 2000 गज की जगह में मेरा घर है। एक संत जी आए तो संत जी को बताने लगा वो आदमी कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। संत जी तो संत जी थे, संत जी को लगा ये कोई भगवान की चर्चा तो कर नहीं रहा, अभिमान में डूबा है। तो संत जी बोले, क्यों ना इसके अभिमान को समाप्त किया जाए। तो संत जी ने कहा, अच्छा तेरा 2000 गज में घर है, चल बता मुझे कहाँ तेरा घर। उसने बताया, बोले ये हमारा बेडरूम है, ये रसोई है, ये है, ये सब बताया उसने। वहीं पर ग्लोब रखा हुआ था, ग्लोब समझते हैं ना, जिसमें पूरे दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। तो ग्लोब घुमाते हुए संत जी ने पूछा कि भैया ये क्या है। उसने कहा ये नक्शा है, पूरी दुनिया का इसमें मैप है। तो संत जी ने कहा, बताओ फिर इसमें भारत कहाँ है। तो उस ग्लोब में, उस नक्शे में, इतना बड़ा ग्लोब होता है, अब उसमें इतना सा भारत दिखा उसको, इतना सा भारत। अच्छा ये भारत है, अब बताओ इस भारत में तुम्हारा राज्य कहाँ है। तो उसने उत्तर प्रदेश ढूंढा उस भारत में, उत्तर प्रदेश जरा सा इतना सा दिखाई पड़ा, इतना सा। अब उत्तर प्रदेश में उसने कहा, इसमें तुम्हारा शहर कहाँ है, शहर। और उसमें शहर ढूंढा तो बिल्कुल एक बिंदी पड़ी थी, और उसमें मथुरा लिखा था जरा सा। अब उसने, संत जी ने कहा, ये बताओ अब इसमें, ये बताओ ये तुम्हारा 2000 गज का जो घर है वो कहाँ है, इसमें जो 2000 गज का जो तुम्हारा घर है इसमें कहाँ है। उसने कहा, महाराज ये इसमें थोड़ी दिखेगा। संत जी ने कहा, पगले दुनिया के नक्शे में तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो, ये पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कितनी है, जो तुम अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, तुम्हारी औकात कितनी है। इसलिए इस अभिमान में ना जिया करो कि ये मेरा है, मैं ऐसा हूं ना। तुम कहते हो ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये पद मेरा, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये मेरा मेरा करने से कल्याण ना होगा। कहना ही है तो ये कहो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान को अपना मान लो, भगवान को अपना कहो। ये संसार को अपना कहने से कोई लाभ नहीं है। अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। एक बात बताओ, आपकी और हमारी औकात क्या है। जब तक हम जिंदा हैं ना, तो हमें अपना कहने वाले लोग 1000 होते हैं, अपना मानने वाले लोग 1000 होते हैं, और जब हम मर जाएं तो इसी शरीर को लोग ले जाकर शमशान में जला देते हैं। आपकी औकात क्या है, मैं आपको जरा से शब्दों में आपकी औकात समझा दूं कि देखिए, जब हम शरीर समाप्त होता है, और हमारा ये शरीर जब समाप्त होगा, प्राण निकलेंगे, तो लोग ले जाकर इसे जला देंगे, और जब जलाएंगे तो क्या बचेगा, मुट्ठी भर राख बचेगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला, बड़े बड़े आलीशान महलों में रहने वाला व्यक्ति आज मुट्ठी भर राख बन गया कि नहीं। आप चिता में जल जाएंगे तो क्या बचेगी, राख बचेगी, और वो सारी राख एक 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज जो आप अभिमान में जीते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मैं वो, असलियत तो ये है, औकात तो ये है कि एक दिन तुम 50 रुपए के घड़े में आ जाओगे राख बनकर, और कोई फूंक मारेगा तो उड़ जाओगे। तुम एक दिन राख बनोगे, यही तुम्हारी और हमारी असलियत है, हाँ या ना। अब जो कल राख बन जाए वो आज घमंड किसका करे, ये बताओ। इसलिए हम कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम एक न एक दिन राख हो जाएंगे। आज 2023 चल रहा है, 2050 आते आते, 2070 आते आते, इनमें से ना जाने कितने लोग राख बन के उड़ चुके होंगे। 2080 आते आते,
2090 आते आते तो बताओ हम में से कोई रह भी जाएगा क्या? राख बनकर उड़ जाओगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे जरा बताओ मुझे कन्फर्म करके। सब राख बन जाएंगे तो फिर घमंड किसका, फिर अभिमान किस बात का, है ना? फिर किस बात का घमंड है ये बताइए, किस बात का एटीट्यूड है ये बताइए। इसलिए अभिमान ना करो किसी चीज का। जो है हमारे पास वो भगवान का दिया प्रसाद है ऐसा मान करके अभिमान। भगवान देखो, धन होना बुरा नहीं है, खूब धन हो भगवान करें आपके पास, लेकिन धन जब आए तो ये भाव जरूर आना चाहिए कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु ये सब आपका है। हम लोग गलती क्या करते हैं, अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का। इसलिए आज से अभिमान त्याग कर कौन कौन जीवन जिएगा, कभी किसी चीज का अभिमान ना करना। हमारी हैसियत, हमारी औकात ज्यादा नहीं है। हमारी हैसियत क्या है, एक छोटी सी बात से समझते हैं, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। एक किसान था, एक किसान का एक कुत्ता था और वो बैलगाड़ी खेत से रोज अपने घर लाता और घर से खेत ले जाता। एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी जानते हैं छकड़ा बैलगाड़ी थी। एक दिन कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था तो बगल से कोई गधा गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, भाई कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, ठीक है, आजकल जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। गधे ने कहा, क्या जिम्मेदारी है? बोले, ये बैलगाड़ी हम चला रहे हैं, आजकल बड़ा लोड है काम का। गधे ने कहा, ना भाई, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात। गधा बोला, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। गधा बोला, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, चलो। कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब आप लोग बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल चला रहे थे, ये कुत्ता तो केवल नीचे नीचे चल रहा था, दोनों बैलों के बीच में, नीचे सेंटर में। गाड़ी तो बैल चला रहे थे पर ये कुत्ता क्या कह रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूं क्योंकि मैं बीचों बीच चल रहा हूं, ये बॉडीगार्ड है मेरे बैल। गाड़ी चला रहे थे बैल पर कुत्ता क्या समझ रहा था, गाड़ी मैं चला रहा हूं। बस उसी तरह सबकी गाड़ी तो भगवान चलाते हैं, हम तो केवल उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते रहते हैं। हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम ना करेंगे तो ये ना होगा। नहीं, आप ये ना कहो कि हम ना करेंगे तो ये ना होगा। जो काम होना है वो होके रहेगा, चाहे हम करें या भगवान किसी और से करवाएं, क्योंकि करवाने वाले वही हैं।